हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक मेरी तरह यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम यूट्यूब पर अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो पब्लिक को दिखाई ही नहीं देती और उसका कोई नोटिफिकेशन भी आपके सब्सक्राइबर या फ्रेंड्स के पास नहीं जाता। उसका मेन रीज़न ये होता है, या तो आपकी वीडियो जो है जब आप अपलोड करते हैं तो उस टाइम वो या तो प्राइवेट मोड में होती है या फिर अनलिस्टेड मोड में होती है। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते और अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियोस को कैसे पब्लिक कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट मोड हो या फिर अनलिस्टेड मोड, उस मोड से आप अपनी वीडियो को कैसे पब्लिक करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपको YT स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर चले जाना है। अगर आपके फ़ोन में ये YT स्टूडियो की एप्लीकेशन नहीं है तो इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसमें अपने YouTube चैनल से लॉगिन कर लेना है, जो आपका YouTube अकाउंट है। उसके बाद आपको ये लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे 3 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये सेकंड ऑप्शन जो है वीडियो वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी जो पहली वीडियो है उस पर जो यहाँ पर सिम्बल दिखाई दे रहा है वो पब्लिक है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं ये वाला सिम्बल मेरा यहाँ पर पब्लिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये प्राइवेट का सिंबल है जो लॉक लगा आ रहा है दूसरी वीडियो में। तीसरी वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आपको अनलिस्टेड का सिंबल ये दिखाई दे रहा है। जब अनलिस्टेड कर देते हैं तो ऐसा सिंबल आपकी वीडियो पे दिखाई देता है। अब इसको पब्लिक करना सिखाऊंगा कि इसे पब्लिक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस सेकेंड वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन, जो पेंसिल का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे ये हल्का सा स्क्रॉल करके जहाँ ये प्राइवेट लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ उस चीज़ को, ये जो प्राइवेट लिखा हुआ है इसको हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। तो हमें यहाँ से इसे पब्लिक पे कर देना है और फिर से बैक आ जाना है और यहाँ से ऊपर जो राइट कॉर्नर में ऊपर सेव का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये पब्लिक हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक का सिंबल अब दिख रहा है। तो इस तरीके से इस प्राइवेट को हमने पब्लिक कर दिया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अब मेरी सेकेंड वीडियो में पब्लिक का ही सिंबल आ रहा है। अब ऐसे ही थर्ड वीडियो के अंदर करेंगे हम, जो अनलिस्टेड हो रखी है उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो ये पेंसिल का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे जो अनलिस्टेड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पब्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से बैक चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है सेव पे। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे पब्लिक हो चुकी है। उसके बाद बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये सारी वीडियोस मेरी पब्लिक शो हो रही हैं, पब्लिक सिंबल आ रहा है सब में। तो इस तरीके से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को पब्लिक कर सकते हैं और ये अब सबको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।